चार बीवी और 40 बच्चे वाले बयान पर फंसे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाब में अपने बयान का बचाव करते हुए साक्षी ने कहा कि उन्होंने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि जनसंख्या पर नियंत्रण किए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी राजनीतिक रैली में नहीं बल्कि संतों के कार्यक्रम में दिया गया था। साक्षी ने बयान पर खेद जताने से भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। आयोग को जवाब देने के बाद मीडिया से बातचीत में साक्षी ने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने हास्यास्पद तुलना करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी 16,000 शादियां की थी। साक्षी यही नहीं रुके, उन्होंने RJD नेता लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके भी कई बच्चे हैं। वैसे आपको बता दें कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पिछले दिनों मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान देश में बढ़ती आबादी के लिए इशारों में मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि देश की आबादी हिंदू नहीं बल्कि चार पत्नियां और 40 बच्चों वाले लोगों की वजह से बढ़ रही है। तो साक्षी महाराज ने अपना जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग साक्षी महाराज के बयान से कितना संतुष्ट होता है। देखते रहिए TV Live।